Hello student, welcome to Banik Smart Class. I am Pritham sir, faculty in aptitude. So basically, today we will discuss how to solve the question using divisibility test. As you already know, in case of divisibility rules, that is divisibility by 2, 3, 4, 5, 6 and so on. ये जो सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स है, वी आर यूजिंग दिस डिविजिबिलिटी रूल्स इन केस ऑफ चेकिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। बट और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि अल्जेब्रा में है, मेंसुरेशन में है, हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो डिविजिबिलिटी रूल्स है, वी कैन यूज दैट डिविजिबिलिटी रूल्स इन केस ऑफ मेंसुरेशन या फिर आपका अल्जेब्रा या फिर आप एरिथमेटिक में भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए, यहां पे जितने भी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, 4 to 5 क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस आर ऑलरेडी आस्क्ड बाय एसएससी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यू कैन चेक इट आउट कि वेदर दीज क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर एसएससी एग्जाम और नॉट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन है सीजीएल 2015 का, ये क्वेश्चन है सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि p is equal to 99, then find p into p square plus 3p plus 3. I am not supposed to find the question in a conceptual manner, just I want to use divisibility rules in this type of questions. For example, यहाँ पे जो p into p square plus 3p plus 3 है, तो p का मान कितना दिया हुआ है ना, 99, तो ये आ गया आपका 99 into कुछ भी जो equation है आप लोग का, p square plus 3p plus 3 है। अब आप देखिए, ये सारे के सारे इक्वेशन को आप अगर आप 99 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी आंसर यहां पे आ जाएगा वो 99 का मल्टीपल के फॉर्मेट में रहेगा, या फिर वो जो आंसर आएगा उसका फैक्टर कौन होगा ना, 99। एंड यू ऑलरेडी नो 99 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है ना, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 11 साइमल्टेनियसली। तो हमको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 9 एंड 11, बोथ 9 एंड 11 से डिविजिबल है। अगर आप देखते हो कि यहां पे जितने सारे के सारे ऑप्शन है, ऑप्शन सी को अगर आप देखोगे तो यहां पे कितना है ना, ये जो 9 है, 6 टाइम्स 9 है, दैट मींस 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 54, दैट मींस 54 इज डिविजिबल बाय 9। अगर आप चेक करते हो कि ये 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं, तो आप चेक कर सकते हो ऑल्टरनेट डिजिट के माध्यम से, दैट मींस 9 + 9 + 9 = 27, माइनस ये आ गया आपका 9 9 9, ये भी आपका आ गया 27। अगर आप सब्स्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आ गया, 0 0, मींस डिविजिबल बाय 11। तो आपका आंसर कौन आ गया ना, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आप लोग का सीएचएसएल 2003 का। क्वेश्चन ये है, जब भी आप मेंसुरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज व्हेनेवर यू आर कंफ्यूजिंग, व्हेनेवर यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, तो आप लोग क्या करते हो वहां पे ना, तुक्का मारते हो। अगर आपको तुक्का भी मानना है तो आप सही तरीके से तुक्का मारो। जैसे कि इन केस ऑफ मेंसुरेशन या फिर 2D या फिर 3D में आप लोग क्या करते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन का जो आंसर है वहां पे क्या होता है ना, आप लोग पाई को मल्टीप्लाई करते हो। जहां भी आप पाई का मल्टीप्लाई करता, पाई का मान कितना है ना, आप लोग जानते हो कि उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 है। आपको क्या करना है, ये जो 22 है, दैट मींस ये 2 एंड 11 से डिविजिबल है ना, जरूरी है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका आंसर पाई के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप लोग क्या करोगे कि ऑप्शन को चेक करोगे कौन सा ऑप्शन 11 से डिविजिबल होगा। देखिए यहां पे क्या हुआ, द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्कल पूछा गया है, बाकी के सारे के क्वेश्चन में छोड़ दिया हूं, द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्कल पूछा गया है। आप लोग को मालूम है कि ग्रेटेस्ट सर्कल जो भी है उसका एरिया कितना आएगा ना, पाई आर स्क्वायर आएगा। तो यहां पे अगर पाई है, पाई का मान है 22/7, दैट मींस 22/7 इनटू समथिंग विल बी योर आंसर। सो 22 मींस वी हैव टू चेक व्हिच ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 11। आप अगर यहां पे चेक करोगे, आप खुद ही देख सकते हो ऑप्शन सी में यहां पे 5, यहां पे 4 9, यहां पे 3, यहां पे 6 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, दैट मींस दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया, सीएचएसएल 2011 से पूछा गया है क्वेश्चन।
तो लैटरल सरफेस किसका पूछा गया है, ना सिलेंडर से पूछा गया है। तो सिलेंडर का जो लैटरल सरफेस एरिया है या फिर कर्व सरफेस एरिया है उसका मान क्या है ना, 2πRh। ये फॉर्मूला है आप लोग का। तो आर कुछ भी है, एच कुछ भी दिया हुआ है, बट वो सब किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 22/7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 22/7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं बार बार ही यही बोल रहा हूं कि अगर 22/7 है, आपको चेक करना है whether which option is divisible by 11 or not। तो यहां पे अगर आप चेक करोगे, यहां पे भी ऑप्शन सी है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो 3+2 5, 5-5 is 0, दैट मीन्स दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। Coming to the next question, अभी आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर कि सारे के सारे ऑप्शन अगर 11 से डिविजिबल हो जाए तो क्या करेंगे। तो उसका भी एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं कि ये जो क्वेश्चन है सीजीएल 2003 का है एंड सीजीएल 2019 में पूछा गया है प्रीलिम्स में। तो ये क्वेश्चन क्या है ना, इफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज ए वॉल्यूम ऑफ 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। गौर से देखिए, ये जो क्वेश्चन है सर्कुलर कोन के बेस्ड है। आप लोग को पता है अगर ये कोन आ गया, ये अगर कोन हो गया, ये आ गया आपका रेडियस, ये आपका हाइट, ये हाइट, ये हो गया रेडियस, ये आपका आ गया स्लांट हाइट एल। ये जो एल आर एच है, ये जो तीनों है वो ऑलवेज क्या फॉर्मेशन करते हैं ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मेशन करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइट जो है वो 24, वो फिक्स्ड है, हाइट 24 फिक्स्ड है। इसका जो वॉल्यूम है, कौन का वॉल्यूम कितना है ना, 1/3 πr² s, जिसका वैल्यू भी दिया हुआ है कि 1232 है। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कौन का कितना आएगा ना, पाई आर एल। अभी आप लोग बोलोगे कि सर यहां भी तो पाई मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, पाई का वैल्यू है 22/7, तो जस्ट वी हैव टू चेक व्हिच ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 22, दैट मींस व्हिच ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 11। आप अगर गौर से देखोगे ये सारे के सारे ऑप्शन 11 से डिविजिबल है। देखिए 4+1 5, 4+2 6, 5+1 6, 6-6 0, 7+4 11, 11-0 11, दैट मींस डिविजिबल बाय 11, 0+5 5, 5-5 0, डिविजिबल बाय 11, 4+1 5, 5-5 is 0, दैट मींस ए भी आपका क्या आ गया ना, डिविजिबल बाय 11। नाउ इट्स टू मच कंफ्यूजिंग व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ जस्ट फोकस वन थिंग, आप लोग ये जानते हो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल आ भी गया, आप लोग को पता है इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिपलेट इज ऑलवेज सैटिस्फाई। सो बेसिक ट्रिपलेट्स आर 3, 4, 5, आप लोग जानते हो। सेकेंड वन इज 5, 12, 13, अनदर वन इज 7, 24, 25 एंड 8, 15, 17। ये सारे के सारे आपका ट्रिपलेट है। अगर कोई भी ट्रिपलेट में आप किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, वो भी ट्रिपलेट माना जाएगा। यहां पे हाइट का मान कितना है ना, 24, ये हम लोग का फिक्स्ड है 24। अगर ये 24 है तो हम इसी ट्रिपलेट को कंसिडर करेंगे। तो अगर इसी ट्रिपलेट को हम कंसिडर करेंगे, ये जो स्लांट हाई है, दैट मींस हाइपोटेन्यूज इसका मान तो ज्यादा ही होगा। तो 7, 24 और 25 में ये जो स्लांट हाइट है ये किसका मल्टीपल फॉर्मेट में रहेगा ना, 25 के मल्टीपल फॉर्मेट में रहेगा। तो ये जो बेस है ये किसका मल्टीपल फॉर्मेट में रहेगा, ये 7x, 7 के मल्टीपल फॉर्मेट में रहेगा। ये किसका मल्टीपल में रहेगा ना, ये 25 मल्टीपल में रहेगा। अगर ये जो 1/3 πr² h है, 1232 है, यहां पे मान देखिए ये जो पाई का मान है 1/3 π, कितना आ गया आप लोग का 22/7। जस्ट फोकस वन थिंग, यहां पे रेडियस है पता नहीं, हाइट दिया हुआ है 24 = 1232 है। देखिए ये एक इंटीजर का मान है, ये एक इंटीजर का मान है, डेसिमल पॉइंट पे यहां पे नहीं है। अगर ये इंटीजर है दैट मींस व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नंबर है वो सब आपस में कट जाएंगे। अगर वो करते हैं तो ये 24 है ये 3 से कट जाएगा। अगर ये इंटीजर है तो ये जो आर है रेडियस है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो 7 से नहीं कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो ये इंटीजर का मान नहीं आएगा। तो ये जो रेडियस है वो 7 का 7 का मल्टीपल फॉर्मेट में रहेगा।
तो इसलिए हम बोलते हैं ये अगर 24 आ गया तो रेडियस जो है वो 7 का मल्टीपल फॉर्मेट में रहेगा। तो ये 7 का मल्टीपल फॉर्मेट में अगर रहेगा तो ये किसके मल्टीपल फॉर्मेट में रहेगा, ना 25 के। तो आंसर क्या है, पाई आर एल। अगर ये पाई आर एल है, ये 22/7 है, रेडियस किसके मल्टीपल में रहेगा, ना 7 का मल्टीपल फॉर्मेट में रहेगा, और जो स्लांट हाइट है वो किसका मल्टीपल में रहेगा, ना 25 का मल्टीपल फॉर्मेट में वो रहेगा। तो वो जो पाई है वो तो कैंसिल हो जाएगा 7 से 7, तो जो आंसर है 22 तो आपको आंसर नहीं दे रहा है, 11 से सारे के सारे ऑप्शंस कट रहे हैं। तो आंसर आपको कौन देगा, ना जिस ऑप्शन 25 से डिविजिबल होगा वही आंसर आप लोग का आंसर होगा। अगर आप गौर से देखोगे तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, ना अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होते हैं या फिर लास्ट 2 डिजिट 0 होते हैं। तो यहां पे लास्ट 2 डिजिट को देखिए, यहां पे 50 है, क्या है 50 है, तो यहां पे अगर 50 है लास्ट 2 डिजिट तो ये ऑप्शन आपका 25 से कटता है। अगर ये 25 से कटता है तो आपका आंसर कौन आ गया, ना 550 इज योर करेक्ट आंसर। सो व्हेनेवर पाई इज नॉट गिविंग यू द करेक्ट आंसर देन एट द टाइम फोकस 1 to 2 थिंग मोर। क्लियर। Coming to the next question, ये previous year का लिखना भूल गया, ये previous year का question है, CPO का question है। Question ये है, find the least multiple of 23, which when divided by 18, 21 and 24, leaves the remainders 7, 10 and 13 respectively. देखिए, अगर आप इसको conceptually solve करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे करोगे, ना ये आप लोग का LCM लेना चाहिए, तो 18, 21, 24 का LCM लोगे, उसके बाद क्या चेक करोगे, कॉमन डिफरेंस जितना है उसका क्या करोगे, माइनस करोगे, उसके बाद आप 23 का मल्टीपल चूज करोगे। सेकंड, दूसरा तरीका क्या है, ना दूसरा तरीका ये है, सारे के सारे जो ऑप्शन है उस सारे के सारे ऑप्शन के साथ 23 को आप डिविजिबल करो, जिस ऑप्शन के साथ 23 कट जाएगा वही आपका आंसर होगा, वो भी टाइम टेकेंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, कहां दिमाग लगाएंगे, ना यहां पे देखिए, जो भी नंबर होगा मुझे पता नहीं, इसमें अगर आप 18 या फिर 21 और 24 को डिवाइड करते हैं, ये 7, 10 और 13 जो है वो रिमाइंडर आ जाएंगे। मैं कंसीडर करता हूं 18 और 24 का कंसीडर करता हूं, क्योंकि यहीं से ही आप लोग का आंसर आ जाएगा, यहीं पे ही ट्रिक है। देखिए, 18 हो या फिर 24 हो, ये आपका कौन सा नंबर है, आप बोलोगे कि सर ये इवेंट नंबर है, ठीक है, ओके, यहां पे 18 को डिवाइड करो या फिर 24 को डिवाइड करो, किसी को भी डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा, ना अगर आप 18 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7, अगर आप 24 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए आप लोग का, ना 13। मुझे बोलिए कि अगर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर आना जरूरी है, अगर 18 और 24 ये दोनों के दोनों इवन नंबर है, अगर आप किसी भी चीज को किसी भी नंबर के साथ इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी के नंबर के साथ आप अगर इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर निकलेगा वो क्या आएगा, इवन नंबर भी आएगा। इवन नंबर इनटू समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू इवन नंबर, दैट मीन देखो, इवन इनटू समथिंग इवन प्लस रिमाइंडर, अगर आप इवन नंबर में किसी भी ऑड नंबर को जोड़ते हैं, इवन नंबर के साथ किसी भी ऑड नंबर को आप जोड़ते हैं तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ऑड में ही आएगा। इवन में आप किसी भी ऑड नंबर को जोड़ लो वो हमेशा क्या देता है आपको, ऑड नंबर ही देता है। That means 18 as 18 and 24 both are even number gives the remainder as an odd number. So number is equal to divisor into quotient plus remainder. So even number into something, whatever it may be, even या फिर odd हो, कुछ भी हो, तो even into something is always equal to even number and even number plus odd number, even के साथ आप अगर odd को जुड़ोगे तो आपका answer इसमें आ जाएगा, ना ऑड में आ जाएगा। अगर ऑड में आ जाएगा तो आंसर यहां पे क्या होगा, ना जो ऑड नंबर है, यहां पे ऑड नंबर कौन सा है, देखिए 3013, दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। तो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, हाउ टू यूज डिविजिबिलिटी रूल्स इन केस ऑफ SCF LCM का एक क्वेश्चन लिया।
अलजेब्रा का एक क्वेश्चन लिया, मेंसुरेशन का दो टू तीन, टू से थ्री क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो वीडियो है वो आपको फ्री में मिलता है, तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।